मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल रीड सेकेंड सैम चैप्टर 1 सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स पार्ट 3। लेट अस स्टार्ट। रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस वॉज द टॉर्च बेयरर ऑफ द इंडियन कल्चर। रामकृष्ण परमहंस जो थे वो भारतीय संस्कृति के पथ प्रदर्शक थे। ही वॉज ऑल्सो अ रिफॉर्मर एंड सेंट्स हु हैड शॉट द ट्रूथ थ्रू ऑल द रिलीजन। वो एक सुधारक थे और ऐसे संत थे जिन्होंने सभी धर्मों के आदर्शों को अपनाया। ही वॉज बॉर्न इन कमर कुकुर विलेज ऑफ हुगली डिस्ट्रिक्ट इन बंगाल। उनका जन्म बंगाल के हुगली जिले में के कमर कुकुर गाँव में हुआ था। ही टुक इंटरेस्ट इन द रिलीजियस एक्टिविटीज फ्रॉम द चाइल्डहुड। उन्हें बचपन से ही धार्मिक क्रियाकलापों में रुचि थी। ही बिकेम अ प्रीस्ट इन द काली टेम्पल ऑफ दक्षिणेश्वर नियर कोलकाता। वो कोलकाता के नज़दीक दक्षिणेश्वर मंदिर के दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के पुजारी बन गए। मैनी पीपल वेर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हिम ड्यू टू हिज प्रीचिंग ऑन प्योरिटी ऑफ करेक्टर एंड डीप नॉलेज। बहुत से लोग उनके गहन ज्ञान और चरित्र के पवित्रता से संबंधित उपदेशों के कारण उनकी ओर आकर्षित हुए। ही ट्राइड टू अटेंड गॉड इन वेरियस फॉर्म। उन्होंने भगवान के कई रूपों को अपनाया, भगवान को कई रूपों में अपनाया। मेनी रिलीजियस रिफॉर्मर्स लाइक केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती एंड अदर हैड अटेंड गाइडेंस फ्रॉम हिम। बहुत से धार्मिक सुधारकों जैसे केशव चंद्र सेन और दयानंद सरस्वती और अन्य लोगों ने उनसे गाइडेंस लिया, उनका उनसे सहयोग लिया। दोज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न कल्चर रीडेवलप देयर फेथ इन कल्चर एंड रिलीजन ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ द प्रीचिंग ऑफ रामकृष्ण परमहंस। वो लोग जो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हो गए थे उन्होंने वापस भारत के धर्म और संस्कृति में विश्वास पैदा किया। ये सिर्फ रामकृष्ण परमहंस के उपदेशों के कारण ऐसा संभव हुआ कि वापस लोगों का कि जो विश्वास था अपने धर्म और संस्कृति में स्थापित हो गया। स्वामी विवेकानंद, अ बंगाली ग्रेजुएट नेम नरेंद्रनाथ दत्त 1863-1902 CE केम इंटू कॉन्टैक्ट विथ रामकृष्ण परमहंस हु रिसिप्रोकेटेड हिज क्वेस्ट फॉर नॉलेज। एक बंगाली स्नातक जिसका नाम नरेंद्रनाथ दत्त था 1863-1902 CE में एक बंगाली स्नातक
स्नातक जिसका नाम नरेंद्र नाथ था, वो रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आया, जिसने ज्ञान के समझ में उनके ज्ञान के समझ को वापस स्थापित किया। नरेंद्र बिकेम अ डिसिपाइल ऑफ रामकृष्ण एंड बिकेम एन एसेंटिक लेटर एक्वायरिंग द नेम स्वामी विवेकानंद। नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बन गए और बाद में वो सन्यासी बन गए और उसके बाद उनका नाम स्वामी विवेकानंद हो गया। He did an intensive study of the Indian and Western philosophy. उन्होंने भारतीय और पाश्चात्य दर्शन का गहन अध्ययन किया। स्वामी विवेकानंद advised people to serve the poor and look for God in needy people. स्वामी विवेकानंद ने जरूरतमंद लोगों में और गरीबों की सेवा में भगवान को देखने का, लोगों को भगवान जरूरतमंद लोगों और गरीब लोगों में भगवान को देखने की सलाह दी लोगों को। ही इम्बाइब्ड प्राइड फॉर आर रिच कल्चर हेरिटेज एंड फेथ इन अ ब्राइट फ्यूचर इन द इंडियन यंगस्टर। उन्होंने अपने समृद्ध संस्कृति और विरासत में गर्व किया और भारतीय युवा वर्ग में अपना उज्जवल भविष्य में विश्वास किया। ही अटेंड द पार्लियामेंट ऑफ द रिलीजन्स इन शिकागो इन द यूनाइटेड स्टेट इन द ईयर 1893 CE। उन्होंने 1893 CE में यूनाइटेड स्टेट के शिकागो के संसद में एक धार्मिक सम्मेलन में भाग लिया। विद हिज इन्फ्लुएंशियल स्पीच ही प्रोवाइडेड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इंडियन फिलॉसफी एंड कल्चर। उन्होंने अपने प्रभावशाली भाषण से और भारतीय दर्शन और संस्कृति के गहन समझ से लोगों को अवगत कराया। लोगों को अपने प्रभावशाली भाषण में भारतीय दर्शन और संस्कृति के विषय में बताया। ही प्रोपगेटेड द इंडियन कल्चर बाई टूरिंग वेरियस कंट्रीज लाइक द यूनाइटेड स्टेट, यूरोप, इजिप्ट, चाइना, जापान एक्सेट्रा। उन्होंने भारतीय संस्कृति के प्रचार के लिए कई देशों जैसे यूनाइटेड स्टेट, यूरोप, इजिप्ट, चाइना, जापान आदि देशों का भारतीय संस्कृति के प्रचार के लिए भ्रमण किया, यात्रा किया। ही वॉज एन आर्डेंट सपोर्टर ऑफ द इंडियन कल्चर एंड अ डेवोट नेशनलिस्ट। वह भारतीय संस्कृति के कट्टर समर्थक और धर्मनिष्ठ राष्ट्रवादी थे। ही गेव द लीजेंडरी स्लोगन टू द इंडियन अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट स्टिल द गोल इज अचीव्ड। उन्होंने एक पौराणिक भारतीयों को एक पौराणिक नारा दिया, उठो
जागो, उठो, और जब तक लक्ष्य ना हासिल हो जाए तब तक मत रुको। उनका क्या नारा था? उनका नारा था भारतीयों के लिए, उठो, जागो, और जब तक तुम्हारा लक्ष्य तुमको हासिल ना हो जाए तब तक मत रुको। स्वामी विवेकानंद स्टैब्लिश द रामकृष्ण मिशन इन कोलकाता इन द ईयर 1897 CE। स्वामी विवेकानंद ने 1897 CE में अपने गुरु के नाम से रामकृष्ण कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इट हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन एट बेलूर, जिसका मुख्यालय बेलूर में था। दिस मिशन एडॉप्टेड द आइडियल्स ऑफ सर्विस टू मैनकाइंड थ्रू वेरियस वर्क्स। इस मिशन ने मानव सेवा के आदर्शों को अपनाते हुए कई काम किए, विभिन्न कार्य किए मानव सेवा के लिए। द मिशन फॉलोड द स्लोगन सर्विस टू मैन इन सर्विस टू गॉड बाई गेनिंग मोटिवेशन फ्रॉम द लाइफ ऑफ रामकृष्ण परमहंस। इस मिशन ने रामकृष्ण परमहंस से के जीवन से प्रेरणा लेते हुए एक नारा का नारा को अपनाया कि मानव सेवा ही भगवान की सेवा है। उन्होंने इस नारा को रामकृष्ण परमहंस के जीवन से प्रेरणा लेते हुए इस नारा को अपनाया कि लोगों की सेवा ही भगवान की सेवा है। दिस मिशन ओपन स्कूल अक्रॉस द नेशन फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन। इस मिशन ने देश भर में शिक्षा के लिए कई स्कूल खोले। हॉस्पिटल्स वेर रन बाय द मिशन टू हेल्प द पीपल इन नीड। उन्होंने लोगों के ज़रूरत के लिए कई अस्पताल खोले। इवन टूडे द ब्रांचेस ऑफ द मिशंस आर फंक्शनल इन इंडिया एंड एब्रॉड। आज भी इस मिशन के कई शाखा भारत और विदेशों में कार्यरत हैं। थैंक यू चिल्ड्रेन।